आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मुंह में घुल जाने वाले बिस्किट्स की रेसिपी। आप देख सकते हैं ये बिस्किट्स देखने में कितने ज़्यादा फूले फूले हैं, लेकिन इसमें ना तो हमने सोडे का यूज़ किया है, ना ही कोई ऐसा अदर इंग्रेडिएंट यूज़ किया है कि जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक हो। लॉकडाउन का समय है, बच्चों को कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ें चाहिए ही होती हैं। ऐसे समय में आप बना सकते हैं घर पर ही गेहूं के आटे से ये बहुत ही टेस्टी और बढ़िया बिस्किट, जो मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। हमारी साइड तो इसको नान खटाई कहा जाता है, आप लोगों की साइड इसे क्या कहा जाता है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। आज जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही ईजी है, बहुत ही क्विक है और बहुत ही झटपट से बन जाती है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको आज का वीडियो ईजी लगता है, हेल्पफुल लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स करके बताइए ज़रूर ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। ही फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वॉचिंग CCC क्रिएटिव क्राफ्ट्स एंड कुकिंग बाय प्रिया। तो इन टेस्टी टेस्टी बिस्किट्स को बनाने के लिए मेजरमेंट बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ घी, ये गाय का शुद्ध घी है, हमारे घर का ही बना हुआ है और इसका वीडियो भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो आपको यहाँ पर लेना है एक कटोरी घी। इस घी को मैं लगभग 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज में रख दूंगी। फ्रीजर में रख दीजिए ताकि घी थोड़ा सा थिक हो जाए, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, अगर मेल्टेड घी होगा तो ये रेसिपी नहीं बन पाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप घी को लगभग 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखिए जब फ्रीज चल रहा हो, नहीं तो आधे घंटे के लिए रख दीजिए ताकि घी थोड़ा सा थिक हो जाए। और हमको मेजरमेंट एक ही कटोरी से करना है, जिस एक कटोरी से हमने घी नापा है उसी सेम एक कटोरी भरकर हमको यहाँ पर लेनी है पाउडर शुगर। पाउडर शुगर को धीरे धीरे आप मिक्स करते जाइए। मैं यहाँ पर विस्कर का यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास विस्कर नहीं है तो आप स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं। घर में चम्मच तो सभी की होती हैं, तो चम्मच की सहायता से भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। आप इसको लगातार मिक्स करते जाइए, आप देखेंगे कि अभी तो मिक्सचर इतना ज़्यादा थिक है, जब मैं इसको मिक्स करूँगी तो एक तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और साथ ही साथ ये मिक्सचर फ्लफी भी बन जाएगा। अगर आपने यहाँ पर मेहनत सही तरह से कर ली तो समझ जाइए कि आपकी ये रेसिपी, ये बिस्किट्स बहुत ही परफेक्ट बनने वाले हैं। केवल 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से फिट जाता है। जैसे मैं इसको फेंट रही हूँ, लाइकवाइज आपको भी फेंटना है। सारी शुगर के साथ घी को मिक्स कर दीजिए। आपने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था कि घी जो था डार्क येलो कलर का था, लेकिन जब हम इसको शुगर के साथ अच्छे से फेंटते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये लाइट क्रीम कलर का हो जाएगा और आपका जो ये मिक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी फ्लफी हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जो फ्रोस्टिंग लगाई जाती है केक्स वगैरह पर, उस टाइप का टेक्सचर इसका आ जाता है। और विस्क करना भी बहुत ही आसान होता है, बहुत ही इजीली विस्क हो जाता है। बस केवल जो भी मेहनत करनी है वो इसी स्टेज पर करनी है। और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया ये मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है, इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आ गया है। तो बस इस स्टेज पर आप समझ जाइए कि आपको जितना फेंटना था वो आप फेंट चुके और ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। इसका टेक्सचर देखिए, लुक एट दिस, वाओ, दम आया है ना, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर, बिल्कुल यही टेक्सचर हमें इसका चाहिए था। अब मैं इसमें मिक्स करूंगी बाकी के 2 और इंग्रेडिएंट्स, बस फिर हमारी ये रेसिपी बनकर हो जाएगी बिल्कुल तैयार। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है गेहूं का आटा, उसी सेम कटोरी से जिससे हमने घी नापा था, उसी सेम कटोरी से मैंने यहाँ पर एक कटोरी आटा इसमें ऐड कर दिया है। आटे को हमेशा सीव करके ही लीजिए, मीन्स छान कर ही लीजिए। तो गेहूं का आटा मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ पर ऐड करूंगी टाटा संपन्न का बेसन। आप किसी भी कंपनी का बेसन ले सकते हैं, वही सेम कटोरी से नापकर एक कटोरी बेसन यहाँ पर ऐड कर दीजिए। इसको भी हमें छान कर ही ऐड करना है। जब सभी चीज़ें यहाँ पर ऐड हो जाएं, उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूंगी इलायची। तो इलायची को मैंने कुछ इस तरह से छिलका निकाल कर उसके सारे दाने निकाल लिए हैं और उसको क्रश कर लिया है। क्रश करने के बाद आप यहाँ पर इलायची का ये मिक्सचर भी ऐड कर दीजिए। अगर आपके पास पिसा हुआ इलायची पाउडर है तो आप 1/2 टीस्पून पिसा हुआ इलायची पाउडर ऐड कर दीजिए। मैंने यहाँ पर 7 से 8 इलायची ली हैं, जिनके मैंने दाने अलग कर लिए हैं और इसको कूट कर कुछ इस तरह से इस मिक्सचर में ऐड कर दिया है। इसके बाद आपको सभी चीज़ों को आपस में मिक्स करना है। मिक्स करके आपको इसका एक डो लगा लेना है। जब आप इसको मिक्स करेंगे
तो आपको लगेगा कि ये बाइंड नहीं हो रहा है। तो उस केस में पहले आप सभी मिक्सचर को इकट्ठा कर लीजिए। जब सभी मिक्सचर इकट्ठा हो जाए और तब अगर आपको लगता है कि ये बाइंड नहीं हो रहा है तो उस स्टेज पर आप इसमें थोड़ा सा बेसन या फिर गेहूं का आटा मिक्स कर सकते हैं। जैसे कि अभी जब मैंने इस पूरे मिक्सचर को इकट्ठा किया तो ये बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी था, तो इस स्टेज पर मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा ही और ऐड किया है। तो लगभग आधा कटोरी गेहूं का आटा मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी। पहले मैंने 1/4 कप गेहूं का आटा ऐड किया है ये चेक करने के लिए कि जो बैटर है, जो डो है, वो परफेक्ट हुआ है या नहीं। लेकिन अभी भी थोड़ा ढीला था, मीन्स काफ़ी ज़्यादा लूज था, तो मैंने यहाँ पर बाकी का बचा हुआ 1/4 कप भी ऐड कर दिया है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आपको लगे कि डो बहुत ही ज़्यादा लूज हो रहा है तो बस इस तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। अभी भी आप ये देख सकते हैं कि डो ज़्यादा टाइट नहीं है, मीन्स इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी नहीं है जैसे गेहूं के रोटी के आटे की होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन यस, इस तरह से बाइंड हो जाएगा और तब आप समझ जाइए कि ये बैटर परफेक्ट हो चुका। अब बारी आती है इसके बिस्किट्स बनाने की। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके बिस्किट्स हमें किस तरह से बनाने हैं। इसके लिए मैंने एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। तो उस एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या किया था कि एक नॉनस्टिक पैन लिया था, उसके ऊपर मैंने सिल्वर फॉइल ऐड की थी और उसके बाद मैंने इसके ऊपर बिस्किट्स लगाकर इसको सिकने के लिए रखा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपेरिमेंट तो फेल हो गया क्योंकि उसमें जो ये बिस्किट्स थे वो नीचे से जलने लगे थे और फूले हुए भी नहीं बने थे। तो आई थॉट कि आपके साथ मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए कि जब हम रेसिपीज़ बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी सभी रेसिपीज़ परफेक्ट बन जाती हैं। कुछ उसके अंदर ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जो कई बार नहीं सही बन पाती हैं। तो मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर आप तवे पर बनाने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ डोंट ट्राई, क्योंकि वो जल जाता है नीचे से और उतना बढ़िया उसका टेक्सचर नहीं आ पाता है। तो अभी तो फ़िलहाल आप देखिए कि किस तरह से मैं ये बिस्किट्स बना रही हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसका परफेक्ट तरीका जिसमें आपके बिस्किट्स बिल्कुल फूले फूले आएंगे और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, एकदम मुँह में घुलने वाले, और जो आप तवे पर बनाएंगे वो सॉफ्ट नहीं बनेंगे, ये चीज़ भी ध्यान रखिए। तो इस तरह से आपको जैसे पेड़े बनाते हैं ना, उस तरह से पेड़े बना लीजिए, उसके बाद नाइफ से उसको कट कर दीजिए और हल्का सा कट का निशान लगाना है, कट नहीं करना है, केवल निशान लगाना है। कुछ इस तरह से कट का निशान लगा दीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पर पिस्ता ऐड कर रही हूँ जो मैंने बारीक बारीक काट कर रखा हुआ है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि एक्सपेरिमेंट मैंने क्या किया था कि मैंने सबसे पहले एक लोहे का तवा नीचे रखा था और उसके ऊपर इस तवे को रखा था, बिल्कुल लो फ्लेम मैंने कर दी थी और उसके बाद मैंने इसे एक प्लेट से ढक दिया था लगभग 10 मिनट के लिए। लेकिन 10 मिनट के बाद ये नीचे से जल गए थे, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़ ट्राई ना करें। अब उसके बाद जो परफेक्ट वे में बना है ये, वो बना है इस एयर फ्रायर में। तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है एयर फ्रायर का। अगर आपके घर पर एयर फ्रायर नहीं है तो आप ओवन का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप कुकर में भी इन नान खटाई को बना सकते हैं। कुकर में बनाने का तरीका अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका पूरा एक्सप्लेन्ड वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप नीचे नमक बिछाइए कुकर में और उसके ऊपर एक स्टैंड रखिए, जैसे कि हम ढोकला या इडली बनाते हैं, लाइकवाइज उस बर्तन को रखिए जिसमें हमने ये बिस्किट्स बनाकर रखे हैं, विसल और रबड़ निकाल दीजिए, उसके बाद 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दीजिए। 15 मिनट करके आपको दो बार पकाना है, मीन्स टोटल 30 मिनट्स लगेंगे और कुकर में भी बहुत ही परफेक्ट बन जाएंगे। अब यहाँ पर एयर फ्रायर में मैंने सारे के सारे बिस्किट्स लगा लिए हैं। बिस्किट्स आप देख सकते हैं अभी कितने छोटे साइज के हैं और कितने थिन हैं, मीन्स पतले हैं। अब मैं इसको एयर फ्रायर में ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने टेम्परेचर रखा था 150 डिग्री सेंटीग्रेड और उसको मैंने बेक होने के लिए रख दिया है लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। तो 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको सेट कर दीजिए। और अगर आपके पास ये एयर फ्रायर नहीं है देन अगेन मैं आपको बता रही हूँ ओवन का आप यूज़ कर सकते हैं। 15 मिनट के बाद लुक एट दिस, वाओ, इट टर्न्स आउट टू बी सो नाइस। कितने ज़्यादा फूल गए हैं, कलर कितना बढ़िया आया है, बहुत ही परफेक्ट लग रहे हैं, एकदम फूले फूले बने हैं।
और सबसे खास बात पता है क्या है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। अब जब आप इसको निकालें इस एयर फ्रायर में से, तो उसमें भी आपको खास ध्यान रखना है, आप इसे लगभग 20 मिनट तक ठंडा होने दीजिए, 20 मिनट के बाद ही आप इसको निकालिए, क्योंकि इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं अगर आपने तुरंत निकाले तो ये सारे के सारे टूटकर चूरा बन जाएगा। इसलिए आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जब ये हल्के से ठंडे हो जाएं, लगभग 20 मिनट तक ठंडा रहने दीजिए, तभी ये परफेक्टली सेट हो पाएंगे। और फिर स्पून की सहायता से इनको निकाल लीजिए और फिर आप इनको सर्व कीजिए, खाकर देखिए, यू विल जस्ट लव दिस। बाजार के बिस्किट वगैरह सब कुछ भूल जाएंगे, इतने ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं। अभी मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखाऊंगी, क्योंकि ये ठंडे हो चुके हैं इसलिए इसको तोड़ना इजी है, अदरवाइज़ गर्म में तो ये पूरा का पूरा चूरा हो जाता है। लुक एट दिस, अंदर तक कितने बढ़िया पके हैं, खाकर बिल्कुल मज़ा जाने वाला है आपको, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और जब आप ये बनाते हैं ना, तो पूरे घर में जो एक खुशबू फैलती है वो भी बहुत ही कमाल की होती है। लाइकवाइज मैंने और भी बिस्किट्स इसी तरह से एयर फ्रायर में पकने के लिए रखे हैं, लेकिन इस बार मैंने उसको ज़्यादा देर तक नहीं पकाया है। अगर आप चाहें तो थोड़ा कम देर तक इसको पकाइए, ताकि इसका कलर थोड़ा लाइट बने, जैसे कि अक्सर मेरठ में ये नान खटाई मिलती है, ये कुछ इस कलर की मिलती है। तो मैंने ये वाला एक्सपेरिमेंट भी किया था, अब की बार मैंने इसको केवल 5 मिनट्स तक ही बेक किया था। 5 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से फूल गए हैं, बहुत ही परफेक्ट बने हैं, कलर भी इनका बहुत अच्छा आया है और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। सो आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है, देन इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक छोड़ना ना भूलिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जल्दी सॉल्व करूंगी। एंड ये वाले बिस्किट्स वही हैं जो मैंने तवे पर ट्राई किए थे, सही से पके नहीं थे लेकिन नीचे से जल गए थे, तो मैंने इसको पकाने के लिए एयर फ्रायर में इसको ट्रांसफ़र कर दिया था, लेकिन ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बने हैं, ये थोड़े से क्रिस्पी बने हैं, तो कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं, लुक एट दिस, कि पीछे से कितने जले हुए हैं, ये ऐसे ही जले हुए बने थे, तो इसीलिए मैंने फिर बाद में इसका जो नीचे का हिस्सा था वो निकाल दिया था और ऊपर से बेक करने के लिए मैंने इसको एयर फ्रायर में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो इस तरह से ये आज की रेसिपी मेरी कंप्लीट हुई। कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो हुए थे वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर किया। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग एंड टेस्टी रेसिपीज के साथ। अंटिल देन, टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड, स्टे होम एंड स्टे सेफ। नमस्ते इंडिया।